गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरी पूजा भी हो गई। सबसे पहले तो आपको हैप्पी 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 नवरात्रि टू यू, और नवरात्रि की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी भी पूजा हो गई, यज्ञों की भी पूजा हो गई है, तो हम लोग बैठे हैं और मैं यज्ञ से पूछ रही हूँ कि उसको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। मेरे ब्रेकफास्ट में मुझे ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है, पर मम्मी का उपवास है, मम्मी 9 दिन व्रत उपवास रखती हैं, तो उन्होंने उनके लिए ऑफिस जाना था तो पकौड़ी बनाई थी, तो मैंने थोड़ी सी पकौड़ी ले ली है। यज्ञ को वो नहीं खानी थी तो यज्ञ ने नहीं खाया है, तो अब मैं यज्ञ से पूछ रही हूँ। यज्ञ से गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, थोड़ा सा जोर से जय जय गुरुदेव, जय माता दी। आज मैं सुबह से व्लॉग अपलोड करने का ट्राई कर रही हूँ, पर वो हो नहीं रहा है। हो तो चुका है पर उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत श्रिंक हो रही है, आई डोंट नो वाई। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, सजेशंस भी लिए हैं, बट सब ट्राई करके देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए, क्योंकि मेरा एक दिमाग उसी जगह चल रहा है कि मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ। तो प्लीज़ आप लोग को कुछ पता हो तो मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं यार, क्वालिटी श्रिंक हो रही है, पूरा अपलोड होने में टाइम भी ले रहा है, अच्छा खासा टाइम ले रहा है, पर क्वालिटी चेंज हो रही है यार। आईफोन से शूट कर रहे हैं अपन और क्वालिटी नहीं आ रही है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है दिमाग को। देखते हैं, मैं और भी कोशिश करती हूँ कुछ, अगर मुझे पता चले तो। बाकी आप लोगों को कुछ पता चला हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। ओके एवरीवन, सो यज्ञ के बारे में मुझे आज एक बात पता चली कि यज्ञ के पास एक इनविजिबल फोन है। दिखाना बेटा, इनविजिबल फोन का है तुम्हारा, लाओ दो। फिर यज्ञ इस फोन से उन अंकल को फोन करता है जिनके पास उसका नींबू है। नींबू उसकी एक कैंडी है सार फ्लेवर की, तो वो उसको पसंद है। तो पूछो, मैंने बोला वो शॉप बंद है, तो यज्ञ बोलता है मेरे फोन से बात करो। मम्मा बताओ, बोलो बात करो मुझे। हाँ तो ये शॉप है, वो कह रहे हैं हाँ खुली हुई शॉप है, पर उस पे वो खत्म हो गई है कैंडी। पूछो अंकल से, है फोन पे? हे फोन पे, हाँ हे पूछता है, बहुत सारी है। खानी है तुमको? शॉप बंद है यज्ञ। ओके गाइस, आज बड़े वक्त बाद मैं मेरी फेवरेट चीज़ खा रही हूँ, ब्रेड एंड बटर। बटर मेल्ट ही नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से निकाल के रखा मैंने पर वो हुआ नहीं है प्रॉपरली, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ले के एडजस्ट करके, क्योंकि ब्रेड बटर तो इट्स लवली, सो आई एम हैविंग इट अभी। और अब यज्ञ, यज्ञ तुम भी अब पढ़ाई करने बैठोगे ना? वाई, नींद आ रही है? अब यज्ञ को नींद आ रही है, चलिए मैं उसको पढ़ाती हूँ, सुलाऊंगी तो नहीं उसको, नहीं अभी नहीं सोएगा वो, तो मैं उसको पढ़ाऊंगी और मैं अपना ये ब्रेड और बटर भी इंजॉय करूँगी। ये हटता ही तो नहीं है क्रेयॉन से, इसलिए तो मम्मा पेंसिल से लिखाती है बेटा, समझे? ये लो अब लिखो पेंसिल। अरे अच्छे से पकड़ो पेंसिल, सीधी पकड़ो, गलत पकड़ते हो तो। यस नाउ राइट, ओके। और ऐसे भी नहीं पकड़ते, पेंसिल पकड़ते हैं ऐसे, तुम्हें पता तो है, तुम भूल जाते हो। वाओ यज्ञ, यू नो हाउ टू मेक एच। वाओ, पर ये रॉन्ग है, इसको अपन इरेज करके लिखेंगे। ओके ओके यज्ञ, ये वाला तो अच्छा बनाया, स्मॉल एच गुड, कैपिटल एच अपन इरेज करके लिखते हैं। मामा पे अपन नीचे पाई थी, अपन नीचे पाई ही थी, पांता थी। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं, हम होमवर्क कर रहे हैं, है ना यज्ञ?
बताओ इसके। चलो लिखते हैं, चलो सी यू लेटर गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। यज्ञ और यज्ञ के एनिमल्स। मैं ना छत पे सनसेट को कैप्चर करने आई हूँ, क्योंकि अगेन इट्स आईफोन 14 थैंक्स टू मिस्टर हस्बैंड, और उसके थ्रू ये इतना प्यारा लग रहा है। ओ माय गॉड। सो गाइस, आई विल कैप्चर इट टुडे। यज्ञ इज बैक विद हिज पुलिस कार। ये पुलिस कार है, साइकिल है, उल्टा टाइटा बोथ है। सिट। पुलिस टाइ पुलिस कार है। चलो कहाँ जा रहे हैं हम? एम्बुलेंस के पास। क्यों? मेरे कहाँ दर्द हो रहा है? पैर में दर्द हो रहा है। थैंक यू यज्ञ। तो गाइस ओके यज्ञ, कल शाम को भैया भाभी आए थे तो भैया भाभी ने मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है व्लॉग्स के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगा है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी बोला कि हम यूट्यूबर से मिलने आए हैं, तो मुझे और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। एम्बुलेंस के पास रहूँ? कहाँ है एम्बुलेंस? चलिए यज्ञ की मुझे परमिशन मिल गई है कि मैं बैठ सकती हूँ। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, और अब यज्ञ को, यज्ञ दूध नहीं पीना आज? क्यों? हाँ इस तरफ ही लाऊं। मैं ठीक करती हूँ यज्ञ। कितने रुपए की है? 1 रुपए। ओके। ओमो मिंटो माय तो ओपे थे। ओके। स्टेजेस ऑफ इट आ ब्यूटीफुल है ना यज्ञ? अभी नहीं हुआ, अब होएगा। यज्ञ से जब भी पूछ रही हूँ कि उसको क्या चाहिए, तो उसका एक ही जवाब आ रहा है। यज्ञ तुमको क्या चाहिए? नींबू। नींबू? नींबू ही नहीं, नींबू लेने। तो गाइस हम जा रहे हैं यज्ञ की फेवरेट कैंडी लेने, जो उसको बहुत ज्यादा ही पसंद आई है, और उसने मुझे सुबह से बोल रखा है। मैं सुबह से टाल रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं रात तक टाल पाऊंगी। आई हैव टू गो। ओके गाइस, मेरी मम्मी मेरे लिए ये लाई है। ओके गाइस, तो रात के बज रहे हैं 8, और अब हो गया है डिनर टाइम। मेरी आरती भी हो गई है अच्छे से। तो डिनर में हम बनाएंगे, यज्ञ को खाना है पराठा, यज्ञ के लिए बनेगा पराठा, मम्मी के लिए बनाऊंगी मैं उनका फलारी खाना, और मैं खाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पास हैं, तो मम्मी के हाथ के मुझे मटर के पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं।
तो मैं मटर के पुलाव खाऊंगी, प्लस उनकी मुझे हाथ की खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है जो मुझसे बनती नहीं है। बाकी सब तो चलो मम्मी वाला टेस्ट तो आता ही नहीं है, बाकी सब तो फिर भी मेरे से बन जाता है खाने जैसा, मम्मी जैसा तो नहीं बनता। मम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर अब वो खिचड़ी और वो पुलाव तो मेरे से बनते ही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मम्मी से मेरी यही डिमांड रहती है कि आप अगर हो तो मुझे मटर पुलाव खाने। तो मैं आज, वैसे मैं रात को राइस अवॉइड ही करती हूँ, पर मम्मी के साथ मैं खा लेती हूँ। सिर्फ मटर पुलाव, दही, अचार और पापड़, ये हमारा फेवरेट वाला डिनर और कॉम्बिनेशन है। तो मैं वो खाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। मम्मी बहुत अच्छे बनाती है मेरी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो चीज़ मुझे पसंद है मैं बोलती रहती हूँ। सॉरी अगर आप लोग इरिटेट हो रहे हो तो, बट अगर मुझे किसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना, तो मैं अगर उससे एक साल बाद भी मिलूंगी ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उस टाइम पे तो मैं बोलती ही रहती हूँ कि ये बहुत अच्छा बना है। एनीवेज लोग खाना बनाते में काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं, तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए, तो आदत ही है मेरी। एनीवेज तो मैं जा रही हूँ यज्ञ का डिनर बनाने और मम्मी का भी डिनर बनाने, और जब मम्मी मेरा पुलाव बना देंगी तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। सो इससे ज़्यादा बेस्ट मुझे कुछ पसंद भी नहीं है। पुलाव एकदम सिंपल, ज़्यादा मसाले भी नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पुलाव। इसमें तो दही भी नहीं, मतलब ऑल अलोन ये इतना अच्छा है। बस मैंने घी डाला है, मैं पहले वाले डिस्क्रिप्शन में घी बोलना भूल गई थी, मैंने इसमें सिर्फ घी डाला है और वो इतना अच्छा लग रहा है। ना दही की ज़रूरत है, ना पापड़ की, ना अचार की, कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम लविंग इट, आई एम इन्जॉइंग इट। और मुझे हमेशा से मम्मी के हाथ के पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको ही खा रही हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी देर ट्रेडमिल पे भी चलूँगी और मेरा व्लॉग भी यही एंड करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि मतलब कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और मैं अभी खाने के मूड में भी हूँ, तो मैं अभी खा लेती हूँ। फिर सी यू लेटर, सी यू टुमारो गाइज। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, च्यूज़।